फ्रेंड आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया बनाते हैं। इसमें दो तरह के मैंने बिस्किट का यूज किया है। इसकी आप क्रीम निकाल लें जैसे मैंने निकाले हैं, चक्कू की सहायता से आप ही क्रीम निकाल लें इसका। देखिए मैंने क्रीम निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे करके आप भी इसे निकाल लें, मैं इसको बाद में सजाने में काम लूँगी। आप देख सकते हैं अब मैं एक एक करके पहले ऑरेंज वाली बिस्किट आप इस पे डालते जाएं ट्रे में पीछे से, देख सकते हैं। ऐसे ही आप, मैंने दो से तीन बिस्किट लिए हैं, अब इसमें राउंड शेप की जो है ये डालते जाएं। ये वाली बिस्किट, दो तीन तरह के बिस्किट का आप दो तरह का यूज करेंगे तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। और ख़ासकर मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ। आज मेरी बिटिया का बर्थडे है इसलिए मैं उसे कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस तरह का कुछ नया बना है। इस पर आप थोड़ी सी मलाई डालते जाएं। ये दूध की जो मलाई होती है वो वाली मैंने ली है, जो ऊपर अच्छा जो होता है उसी का मैंने यूज किया है। आप चाहे तो इस जगह पनीर का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़े थोड़े फैलाते जाएं, आप देख सकते हैं। इसी तरह फैलाते जाएं इस पर, बहुत जल्दी ये बन भी जाता है। और बच्चे का मैं क्या बताऊं, उन लोगों को इतनी ये टेस्टी रेसिपी लगती है कि हल्का हल्का से बढ़िया इस पर डालते जाएं। देख सकते हैं इसी तरह आप भी डालें। पतली वाली सेवैया जो आती है वो आप इस पे डाल सकते हैं। अब मैं इसको, जो मैंने ये डाला था इसको आप इसके ऊपर, आप चाहें तो इसे हाफ कट भी कर सकते हैं या राउंड शेप में भी डाल सकते हैं। ऑरेंज वाले जितने बिस्किट हैं उसके ऊपर मैं ये ग्रे कलर का डाल दूँगी, जो देखने में बेस्ट लगेगा, अच्छे लगेंगे। आप इसी तरह डालते जाएं। आप देख सकते हैं मैंने सब पे डाल दिए हैं। और ऑरेंज क्रीम जो मैंने रखे थे इसको मैं चॉकलेट बिस्किट के ऊपर डालते जाऊंगी। आप देख सकते हैं कितने प्यारे ये लग रहे हैं। आप इसी तरह डालते जाएं, आप चाहे तो इस पर भी डाल सकते हैं। तो जितने घन रहेंगे उतने ये और ये देखने में अच्छे लगेंगे। अब इसके ऊपर से आप इसको हल्का हल्का डालते जाएं, नमकीन डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे ये लग रहे हैं। देखिए बच्चों को इतने ये पसंद आते हैं, अगर कोई बच्चा रूठा हुआ हो उसे मनाने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरह का आप भी बना करके अपने बच्चों को दीजिए, देखिए 2 मिनट के अंदर में वो आपका कहा सुनने लगेंगे। प्लीज़ आप लोग भी इसे बनाएं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। कैसा लगा मेरी रेसिपी आप लोग प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।